This conference will now be recorded. And talking about a permission set. तो गाइस देखिए परमिशन सेट्स के बारे में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि परमिशन सेट्स होती क्या हैं एंड किस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो नहीं बताया था, बट यूज ऑफ परमिशन सेट्स क्या है वो मैंने आपको बताया था। नाउ दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि परमिशन सेट्स का एक्चुअली में यूज क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो नाउ आई एम स्टार्ट की टू थिंग्स होते हैं, एक होता है यूजर्स। सबसे पहले होता है आपका ऑब्जेक्ट, लाइक दिस इज योर ऑब्जेक्ट्स। लाइक दिस इज अ थ्री ऑब्जेक्ट, थ्री ऑब्जेक्ट मीन्स इज लुक लाइक अ रिलेटेड टू अ इवेंट, लाइक एम्प्लॉय और लुक लाइक कॉन्टेक्ट और एड्रेस। सपोज करिए देयर द थ्री ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल, देन ऑब्जेक्ट्स के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजर। ऑब्जेक्ट्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यूजर, लाइक देयर इज अ टू यूजर इज अवेलेबल, वन इज अ यूजर इज इन आईसीसीपी एंड सेकेंड यूजर इज लुक लाइक गौतम एंड बिटवीन दिस द टू थिंग्स इज कमिंग, वन इज कमिंग अ प्रोफाइल एंड सेकेंड इज कमिंग परमिशन सेट। सो प्रोफाइल्स आता है, सो लाइक अब पहले आपका आता है स्टैंडर्ड प्रोफाइल, देन आपके पास आती है कस्टम प्रोफाइल, एंड देन फिर आपका आता है परमिशन सेट। By default कि जब भी आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है तो आप क्या करते हो, when you create a profile copy the standard profile, yes or no, when you create profile तो जब भी आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे, कॉपी स्टैंडर्ड प्रोफाइल, आपको अपनी स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स की कॉपी करनी पड़ेगी। लाइक कि आप कोई भी यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक दिस इज अ यूजर, और उस यूजर को आप एक प्रोफाइल एलोकेट कराना चाहते हैं, लाइक कि मैं एक प्रोफाइल है स्टैंडर्ड प्रोफाइल कस्टम प्रोफाइल है और इस कस्टम प्रोफाइल्स को मैं अटैच करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर यूजर के साथ। नाउ तो जब मैं कस्टम प्रोफाइल बनाऊंगा तो मैं उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोफाइल को कॉपी करूंगा, आइदर कि मेरे को स्टैंडर्ड यूजर की प्रोफाइल बनानी है, अपनी एडमिन की प्रोफाइल्स बनानी है या व्हाटएवर जो भी प्रोफाइल बनानी है। सो हर किसी की एक प्रोफाइल बनी हुई है और जब आप नई प्रोफाइल बनाएंगे तो वाया स्टैंडर्ड प्रोफाइल की ही आप कॉपी क्रिएट करेंगे, जिससे क्या है कि आप कस्टम प्रोफाइल्स के अंदर चेंजेस कर सको, क्योंकि चेंजेस अप्लाई ऑन अ कस्टम प्रोफाइल। कि जो भी आपको चेंजेस करनी है वो आप कस्टम प्रोफाइल के अंदर चेंजेस कर सकते हो, स्टैंडर्ड प्रोफाइल के अंदर चेंजेस एप्लीकेबल्स नहीं होती है। गॉट इट द पॉइंट गाइस, एवरीवन इज इट क्लियर?
गाइस आई एम ऑडिबल प्लीज रिप्लाई इज इट क्लियर यस सर नाउ कि सपोज करिए कि मैंने एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल ही यूज करी है और उस स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स के अंदर मैंने ऐड कर दिए ये दोनों चीजें आई एम एडिंग एक्सेस फॉर दीज टू ऑब्जेक्ट्स अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जब मैंने एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल के अंदर ऐड कर दिए और अब मैं इस स्टैंडर्ड प्रोफाइल से एक और प्रोफाइल बना रहा हूँ कस्टम प्रोफाइल तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट मेरे कस्टम प्रोफाइल में भी एड ऑन हो जाएंगे एंड नाउ आई एम अटैच अ कस्टम प्रोफाइल विद आईसीसीपी यूजर यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस मेरे इन यूजर्स को भी एप्लीकेबल हो जाएगा गॉट इट द पॉइंट यस और नो गाइस आयुष फैजल अरमान विशाल गॉट इट द पॉइंट यस सर नाउ द सेम एज आई एम जस्ट क्रिएट अटैच अ वन मोर यूजर विद कस्टम प्रोफाइल अगर मैं गौतम नाम का यूजर भी इसी प्रोफाइल के साथ अटैच करता हूं तो क्या होगा ये एम्प्लॉय और एड्रेस दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन गौतम को भी एप्लीकेबल हो जाएगी यस और नो यस और नो गाइस यस सर तो अब मेरे को इवेंट वाला ऑप्शन देना है सिर्फ गौतम को तो अगर मैं इवेंट वाला ऑप्शन अटैच कर देता हूं कस्टम प्रोफाइल के साथ स्टैंडर्ड प्रोफाइल के साथ तो क्या ये गौतम और आईसीसीपी को मिलेगा हाँ या ना मिलेगा सर यस सर नहीं मिलेगा सर स्टैंडर्ड क्योंकि प्रोफाइल्स और प्रोफाइल्स ऑटो रेप्लिकेट नहीं है यस और नो भाई मैंने आपको पहले आपने क्या करा दो फाइल बनाई आपने एक फाइल की कॉपी अपने दोस्त को दे दी अब अगर आपने अपनी प्रोफाइल में चेंज करी है तो जो कॉपी आपने अपने दोस्त को दी है क्या उसमें भी चेंज हो जाएगा अपने आप नो सर तो गौतम और आईसीसीबी को ये इवेंट की ऑब्जेक्ट मिले तो मैं इसको किस प्रोफाइल के साथ अटैच करूंगा स्टैंडर्ड के साथ या कस्टम के साथ गाइस आई एम अटैच दिस इवेंट विद कस्टम क्योंकि पहले मैंने एम्प्लॉय और एड्रेस दोनों इसके साथ ऐड करे देन कस्टम प्रोफाइल बनाई थी मैंने पहले क्या करा एम्प्लॉय और एड्रेस स्टैंडर्ड के ऐड करे देन कस्टम प्रोफाइल क्रिएट करी थी यानी कि ऐड करने के बाद तो ये एम्प्लॉय मिल गए लेकिन अगर आपको बाद में कोई इवेंट एड ऑन करना है कस्टम प्रोफाइल के साथ तो वो स्टैंडर्ड प्रोफाइल के अंदर नहीं जाएगा गॉट इट द पॉइंट यस सर बट अब आता है कि अगर मैंने कस्टम प्रोफाइल के साथ इवेंट ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया तो ऑल कनेक्टेड यूजर कैन एक्सेस दिस इवेंट ऑब्जेक्ट यस और नो यानी कि आईसीसीबी यूजर भी एक्सेस कर सकता है और गौतम यूजर भी एक्सेस कर सकता है बट मैं चाहता हूं कि इवेंट ऑब्जेक्ट ओनली एक्सेस बाई गौतम कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ गौतम यूजर ही इस इवेंट को एक्सेस करे ना कि आईसीसीपी तो मैं क्या करूंगा आई एम प्रोसेस कि मैं इस इवेंट को एक्सेस करूंगा परमिशन सेट के साथ और परमिशन सेट को अटैच कर दूंगा गौतम के साथ तो इवेंट के रूल सिर्फ गौतम को एप्लीकेबल होंगे ना कि आईसीसीपी को क्लियर द प्रोसेस Everyone got it? Now, चलिए मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ प्रैक्टिकली आई एम जस्ट क्रिएट अ टू न्यू ऑब्जेक्ट्स मैं दो नए ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ पूरा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कंप्लीटली आई एम जस्ट लॉगिन विद salesforce.com एंड आई एम जस्ट लॉगिन विद द एडमिन पैनल
Now I'm create a two objects. I'm create two objects. I'm just click on a create custom objects. Give the name of object like I'm just create object name is like Ayush. मैंने एक आयुष नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एंड क्रिएट अ लॉन्च अ न्यू टैब. मैं इसका एक टैब भी क्रिएट कर देता हूं. सो आयुष एरर मैसेज बिलो द करेक्ट योर डेटा एंड नाउ क्रिएट लॉन्च अ न्यू कस्टम टैब सेव एंड न्यू सेम एज आई एम जस्ट क्रिएट अ One more object is like a related to Arman. And now I'm just create a launch new. Now I'm just create a one more object is related to Vishal. And now create a launch new custom tab and save and new or save. So guys, I'm creating a three objects. After that, I'm create all three object tabs. So I'm Vishal. Vishal ke liye main tab select kar leta. I'm create a Vishal tab. Now next, apply to all is visible. कि यहाँ पे आ रहा है कि system administrator इसको visible कर सके, standard user भी इसको देख सके. तो अभी फिलहाल यहाँ पे ऑन 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 का मतलब है कि इट्स अप्लाई फॉर ऑल प्रोफाइल्स. तो जितने भी प्रोफाइल्स हैं इट्स विजिबल टू ऑल. लेकिन आप चाहते हैं सबके लिए विजिबल ना हो तो आप पर्टिकुलरली कर सकते हैं. लाइक मैं चाहता हूँ कि माय स्टैंडर्ड प्रोफाइल जो हमने बनाई हुई है या मेरा एक स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल है उस पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये विजिबल ना हो तो मैं ऑफ कर दूंगा. गॉट इट गाइस. तो मैंने यहाँ पे फिलहाल कर दिया है ऑन. नेक्स्ट ऐप. सो ये किस एप्लीकेशन पे दिखाई दे. आई एम जस्ट रिमूव इट. मैं नहीं चाहता कि किसी भी ऐप पर ये विजिबल हो. नाउ सेव. सेम एज आई एम जस्ट अगेन गो बैक टू द होम सर्च इन टैब. और ये गए सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने बनाए थे. एंड नाउ आई एम जस्ट क्रिएट किए सारे इतने सारे टैब्स मेरे बने हुए हैं. तो नाउ क्रिएट अ न्यू and now select Arman. Uncheck, it's not visible to all. And now save. Same as I'm just again create a new tab is related to Ayush. And now save. So guys, I'm just create a three tabs. After that, I'm just create a one app. मैं यहाँ पे एक app भी create कर रहा हूँ. So I'm just go to the app manager, new lightning app. App name is my test. I'm not upload anything else. Next, 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 and available items. I'm just allowed a account tab. मैं एक tab add करा देता हूँ related to account. Next and is visible like a system admin. And save and finish. So now, guys, if you can see, I'm just go to the View alls and यहाँ पे देखिए आपकी ऐप आगे होगी related to test. Where? Sorry, first refresh.
व्हाट हैपन। चलिए एनीवेज आई एम जस्ट गो टू माय ऐप टेस्ट। यहाँ पे देखिए लाइटनिंग आ रही है, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर एंड देन क्लिक ऑन एडिट एंड एडिट में जाके आई एम जस्ट नेविगेशन आइटम्स और इधर ऐप ऑप्शंस, यूटिलिटी डेस्कटॉप, यूजर प्रोफाइल। तो आई एम जस्ट यू ऐड अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने सिस्टम एडमिन को ऐड नहीं करा था, नाउ आई एम एडिंग अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन गो बैक टू ऐप लॉन्चर। Then you can see it's visible. My test app. Got it, guys? The only account option is available. Is it clear, guys? इतना clear है? पहले भी काफी बार करा हुआ हमने ये चीज। Everyone, is it clear? Guys, is it clear? Now, कि अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आई एम जस्ट एडिंग दिस ऐप, कि ये जो ऐप है ये मेरे दूसरा यूजर जो है, अगर मैं आई एम लॉग इन विद अनदर यूजर, इस यूजर को ये ऐप विजिबल नहीं हो रही होगी। ये देखिए यहां पर सिर्फ एक ही ऐप आ रही है इसके पास, आरवी होटल्स। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस यूजर को भी वो ऐप विजिबल हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टू वेज हैं, या तो आप परमिशन सेट के थ्रू दे दीजिए, या आप यूजर की प्रोफाइल में। वेट गाइस, अभी तक हम क्या कह रहे थे कि अगर हमें जो भी परमिशन देनी थी, हम उसके लिए क्या करते थे? प्रोफाइल सेटिंग्स के अंदर जाते थे, यस और नो? एवरीवन, यस और नो? और वहां पे जाके हमें जो भी ऑब्जेक्ट ऐड ऑन करना है, हम यूजर की प्रोफाइल में ऐड कर देते थे। बट नाउ अब हम जा रहे हैं एडमिन पे एंड गो टू द परमिशन सेट। सर्च इन परमिशन सेट, देन दिस इज अ परमिशन सेट। नाउ क्लिक ऑन न्यू, गिव द परमिशन नेम इज माई टेस्ट टेस्ट परमिशन सेट। नाउ सेशन एक्टिव रिक्वायर्ड, ऑल्सो रिक्वायर्ड अ लाइसेंस, सो आई एम सिलेक्ट अ सेल्सफोर्स लाइसेंस। नाउ क्लिक ऑन सेव। आफ्टर क्लिक ऑन सेव, यू कैन सी द परमिशंस, कि आप क्या चीज एलोकेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं असाइन कराना चाहता हूं ऐप, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इन दिस परमिशन सेट। वो कह रहा है आइटम्स पर पेज 50 आपको डिफाइल देंगे। आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडिट, इट शो द ऑल एप्स नाउ, कि यहाँ पर आपका आ रहा है कि आप कौन से लाइक असाइन ऐप, तो असाइन आप किसको देना चाहते हो? आरवी होटल्स, माई टेस्ट ऐप। सो मैंने यहाँ पे एड कर दिया माई टेस्ट ऐप एंड देन क्लिक ऑन सेव। तो मैंने यहां पर एक ऐड कर दिया माय टेस्ट ऐप। देन मैनेज असाइनमेंट, आई एम जस्ट गो टू द मैनेज असाइनमेंट एंड असाइनमेंट, ऐड असाइनमेंट, सिलेक्ट अ यूजर लाइक सो गौतम राकेश एंड देन क्लिक ऑन असाइन, देन डन।
सो मैंने क्या करा, एक परमिशन सेट बनाया और उस परमिशन सेट में पहले मैंने जाके ऐप ऐड करी एंड देन मैंने वहां पे जाके ऐड कर दिया राकेश नाम के गौतम यूजर को. नाउ इफ यू कैन गो इन दिस यूजर, इट्स नॉट विजिबल कि यहाँ पे जिसको अभी तक ऐप विजिबल नहीं हो रही थी. नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ रिफ्रेश. जस्ट वेट गाइस, अभी अपडेट होके आ जाएगी. अभी नहीं आई है, जस्ट वेट. अगर मेरे को यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट एलोकेट कराने हैं तो या तो आप नया परमिशन सेट बना लीजिए. गॉट इट? आई एम जस्ट बैक टू द परमिशन सेट. अब आपने यहाँ पे क्या, अगर मेरे को असाइन ऐप के बाद कनेक्ट एप्स, कि आप असाइन कनेक्ट तो कनेक्ट एप्स के साथ करना चाहते हैं, तो ये आपके सारे के सारे ऑप्शंस हैं. तो फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, हमने कुछ बना ही नहीं रखा कि माई टेस्ट परमिशन सेट के अंदर आप असाइन कॉन्टेक्ट सॉरी कनेक्टेड एप्स कोई है. सो हमारे पास कोई इसके साथ एक और अटैच एप है ही नहीं. या आइदर यू कैन गो फॉर लाइक ऑब्जेक्ट्स, आप कोई ऑब्जेक्ट्स एड ऑन करना चाहते हैं इसी एग्जिस्टिंग एप के अंदर. तो आई एम जस्ट गो बैक. क्लिक ऑन परमिशन सेट, माई फॉर माई, इसके अंदर माई टेस्ट परमिशन सेट आ रहा है. आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस, देन क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट सेटिंग. अब आप चाहते हो कि कौन से ऑब्जेक्ट विजिबल हो, तो नाउ कि मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं. तो मैंने अभी कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे रिलेटेड टू लाइक आयुष, अरमान. So now is not accessible. So I'm just click on a edit options. Account, all sites. Arman. I'm just click on Arman. Now edit. So सबसे पहले आ रहा है available like a view. Then उसके बाद आप read access देना चाहते हो, read write access देना चाहते हो, I'm just give the all. मैंने यहाँ पे सारे के सारे access इसको दे दिए user को. Now click on save. Now second object अगर आप select करना चाहते हैं तो आप select object से other object भी select कर सकते हैं. लाइक अरमान के अलावा मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं आयुष. देन गिव द एडिट. नाउ इट्स विजिबल टू ऑल. नाउ सिलेक्ट, देन सेव. देन आई एम क्रिएट अ वन मोर ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू फैजल और आई थिंक सो विकास. Vishal, sorry. Now edit. Now save it. So guys, मैंने एक परमिशन सेट करा, उस परमिशन सेट को मैंने क्या दिया, मैंने परमिशन एलोकेट करी है रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स. तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट करा है. मैनेज असाइनमेंट्स में जाता हूं, तो मैनेज असाइनमेंट्स में ऑलरेडी एक यूजर यहाँ पे क्या है, अटैच्ड है. आप अगर कोई अदर यूजर भी एड ऑन करना चाहते हैं या मल्टीपल यूजर आप एड ऑन करना चाहते हैं सेम परमिशंस के लिए, तो आप मल्टीपल यूजर भी असाइनमेंट कर सकते हैं. आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ परमिशन सेट, देन गो टू द माय एंड नाउ यू कैन सी द माय टेस्ट परमिशंस. एंड इसके अंदर मैंने जो भी चीजें एड ऑन कराई थी वो आप यहां से असाइनमेंट कर सकते हैं. Got it the point guys, how to create permission set or how to allow the permissions or app each and everything.
असाइनमेंट ऐप, तो यहाँ पर मैंने ऐप भी असाइन कर दिया है, माई टेस्ट ऐप, जो मैंने माई टेस्ट ऐप अभी बनाई है, पर्टिकुलर किस यूजर के लिए करना है वो भी मैं ऐड ऑन कर चुका हूँ, कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसको विजिबल हो वो भी मैं ऐड ऑन कर चुका हूँ, क्योंकि अब मैं ये जो काम है प्रोफाइल के अंदर नहीं कर रहा, आई एम जस्ट वर्क अप्लाई वाया परमिशन सेट, नाउ आई एम जस्ट गो टू द यूजर और ये मेरा अकाउंट है, लाइक आई एम जस्ट रिफ्रेश सिस्टम एडमिन। तो देखिए सिस्टम एडमिन पर वो टैब्स वगैरह आ ही नहीं रहे, नाउ आई एम जस्ट गो टू द यूजर एंड नाउ क्लिक ऑन अपडेट, वेट गाइस आई एम जस्ट लॉग आउट, वो टेस्ट इवेंट टाइम ले रहा है गाइस, आई एम जस्ट गो टू माय परमिशन सेट, एडिट प्रॉपर्टी, दिस इज ओके, सेशन एक्टिवेशन required, manage assignment, Gautam Rakesh, one minute guys, I'm just adding one more user, मैं यहाँ पे admin user भी add करके देख रहा हूँ एक बार, now assign, now the two user is visible, now this is the admin profile, refresh, तो गाइस थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लग रहा है, ओके वन मोर थिंग कि वो इसलिए विजिबल नहीं हो रहा है वहां पे क्योंकि मैंने यूजर को ऐड ही नहीं करा ऐप के अंदर, यानी कि मैंने परमिशंस को मतलब कि जो मेरे को परमिशंस एलोकेट करनी थी, आई एम जस्ट कि वो परमिशंस मेरे को वहां पर एड ही नहीं हुई है, लाइक जब मैंने ऐप क्रिएट करी थी, अगर आप हो तो मैंने वहां पे सिर्फ सिस्टम एडमिन को एड ऑन कर दिया था, गाइस गॉट इट माय पॉइंट, तो मेरे को एक प्रोफाइल तो एलोकेट करनी ही पड़ेगी ना ऐप को, गाइस रिमेम्बर मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, तो यहाँ पे सिस्टम एडमिन हो रहा है, एंड मेरा जो यूजर है, यूजर किस नाम से था गाइस, एक मिनट मैं यूजर की प्रोफाइल देख लेता हूँ, Project One Assistant System Admin. So I'm just go to the app.
या गाइस देखिए विदाउट ऐड करे अब रेप्लिकेट हो गया यहां पर, गॉट इट गाइस, माय टेस्ट ऐप। और यहां पे भी अकाउंट ऑप्शंस आ रहा है, वो अदर यू ऑप्शंस भी आपके आ जाएंगे गाइस, गॉट इट द पॉइंट। और आप यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे कोई ऐड नहीं करा है प्रोफाइल के अंदर, लाइक अगर आप यहां पे देखते हैं कि ये मेरी प्रोफाइल सेटिंग्स है, नाउ क्लिक ऑन एडिट, देन यू कैन सी द यूजर प्रोफाइल। यहां पर सिर्फ सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल है, यानी कि मैंने प्रोफाइल के अंदर प्रोजेक्ट वन असिस्टेंट सिस्टम एडमिन के नाम से मेरा है यूजर की प्रोफाइल, बट मैंने प्रोफाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं करी है। नाउ कि अगर मैं यहाँ पे बैक टू जाता हूँ एडमिन पोर्टल पर ही एंड गो टू द परमिशन सेट, और परमिशन सेट में जो मैंने परमिशन सेट बनाई है रिलेटेड टू माई, मैंने यहाँ पे एक और यूजर ऐड कर दिया था, द यूजर नेम इज एडमिन। नाउ आई एम जस्ट गो टू द मैनेज असाइनमेंट एंड मैं यहां से एडमिन यूजर को रिमूव कर देता हूं। क्योंकि अगर मैं इस एडमिन यूजर को यहां से रिमूव भी कर दूंगा, सॉरी तो अगर मैंने यहां से एडमिन यूजर को रिमूव भी कर दिया है तो भी ये जो प्रोफाइल है ये एडमिन यूजर को तो विजिबल होगी, क्यों? क्योंकि मैंने प्रोफाइल के अंदर इस ऐप की परमिशन दे रखी है, यानी कि दो जगह से मैंने परमिशन दी थी इसको, एक परमिशन सेट से, लेकिन दोनों में क्या है कि परमिशन सेट में मैंने ऑब्जेक्ट की भी परमिशन दे रखी है, यस और नो? सो एडमिन प्रोफाइल पर जो मेरा यूजर है, लाइक जो मेरा एडमिन प्रोफाइल है, This is my admin profile. Like I'm just go to the my admin profile. और admin profile पे आके अगर मैं यहाँ पे अपनी app को check करता हूँ, तो यहाँ पर वो objects visible नहीं होंगे। यहाँ सिर्फ account का option आएगा। But अगर मैं इस particular user पे आता हूँ और इस user से login होके, I'm login with Gautam Rakesh, और मैं अगर यहाँ पे refresh करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को वो सारे objects भी visible होंगे। Just wait and watch. Guys, clear the concept of permission set. Everyone, please reply. No one reply. कोई भी reply नहीं कर रहा है. अरमान ने सिर्फ मैसेज करा. What about सदर? Yes, sir. Clear है. आयुष, अभिषेक, विशाल. Yes, sir. Clear है, sir. So, guys, it's important कि ये एक hierarchy है. कि हायरार्की का मतलब है कि आप इसको स्किप करके, यानी कि आप कोई भी चीज प्रोफाइल के थ्रू ना देके यूजर को, आप वाया परमिशन सेट, वो चीज आप वाया परमिशन सेट एलोकेट कर सकते हो यूजर को। तो दोनों का मीनिंग है, बट डिफरेंस क्या है कि परमिशन सेट को आप डेडिकेटेड यूजर को एलोकेट कर सकते हो, बट द प्रोफाइल एलोकेट टू ऑल, आप एक सिंगल प्रोफाइल एक यूजर को दोगे दोगे, सो दिस इज अ चैलेंज। क्लियर?
सो गाइस दिस इज अ प्रोसेस कि हमारा जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो फिनिश होता है. गॉट इट? नाउ थैंक यू. एनीवन एनी क्वेश्चन? दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड. दिस इज माय ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माय ऐप. अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा एक यूजर है. द यूजर नेम इज सुमन. अब सुमन ऑब्जेक्ट और ऐप दोनों को एक्सेस करे, यानी कि सुमन क्या करेगा, सुमन ऐप को एक्सेस करेगा और ऐप के अंदर वो उस ऑब्जेक्ट का टैब बन के आ जाएगा. यही आएगा सर, सुमन? तो इसका प्रोसेस अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम लोग एक प्रोफाइल लेते थे. प्रोफाइल के अंदर हम क्या सर, करते थे, ऑब्जेक्ट को ऐड कराते थे, ऑब्जेक्ट, टैब को ऐड यस कराते सर, थे, देन इस प्रोफाइल को अटैच कर देते थे सुमन के पास. और सुमन यहाँ पे अब यही है कि मैं नहीं चाहता सुमन कि हम ये वाला प्रोसेस यूज करें, प्रोफाइल वाला. क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे प्रोफाइल वाला प्रोसेस को यूज करा, लाइक दिस इज माय प्रोफाइल, तो ये प्रोफाइल के साथ अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया और ये भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया, नाउ वन मोर यूजर इज अवेलेबल. कि लाइक एक यूजर सुमन है, ये एक्सेस कर पा रहा है. लाइक वन मोर यूजर इज अवेलेबल इज रिलेटेड टू विशाल. तो विशाल के साथ भी अगर ये प्रोफाइल अटैच है तो विशाल भी के लिए भी ये ऐप विजिबल हो जाएगी. यस और नो सुमन? वर्क किसे कर रहा है? सुमन गॉट इट माय पॉइंट? यस सर, बट मैं चाहता हूं कि ये विशाल को विजिबल ना हो. उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैंने प्रोफाइल तो ऐड कर दी इसके साथ, नाउ विद द हेल्प ऑफ परमिशन सेट, मैं आपको परमिशन सेट के साथ मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को और इस ऐप को दोनों को ऐड कर दूंगा. नाउ द परमिशन सेट अटैच विद सुमन. सुमन यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये विशाल को विजिबल ना हो, तो इसका दूसरा वे भी क्या है, दूसरा वे ये है कि दिस इज अ प्रोफाइल, प्रोफाइल के साथ अटैच विशाल, कि विशाल भी अटैच्ड है एंड नाउ सुमन भी अटैच्ड है. अब मुझे ये ऑब्जेक्ट्स और ऐप देना है सुमन को, तो मैं क्या करूंगा, आई एम क्रिएट अ परमिशन सेट, अटैच बोथ इज विद परमिशन सेट एंड अटैच विद सुमन. सुमन तो ये ऑब्जेक्ट्स और ऐप ओनली विजिबल फॉर सुमन. Got it the point? Yes, sir. Anyone, any other question? तो यही लैब है जो मैंने अभी एग्जीक्यूट कराई है. हेलो सर, क्या बताइए डियर? सर परमिशन सेट में कुछ भी हम एडिट करेंगे तो वो प्रोफाइल में भी तो एडिट हो जाएगा ना? नहीं,
कुछ भी चेंजेस करते परमिशन सेट से तो वो प्रोफाइल में एडिट नहीं होगा नहीं ऑटोमेटिक? होगा, नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, परमिशन सेट का मतलब है कि एडिशनल, कि आपने, मैंने एक अपनी एम्प्लॉय प्रोफाइल बनाई, तो एम्प्लॉय प्रोफाइल के लिए मैंने कुछ स्टैंडर्ड चीजें बना दी, लाइक कि ये चीजें हर एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सीईओ हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे अदर एम्प्लॉय हो। गॉट इट अभिषेक? यस सर। बट अब मेरे को मैनेजर को एक्स्ट्रा पावर देनी है, तो अगर मैंने प्रोफाइल में ऐड करा तो वो सारे लोगों को मिल जाएंगी वो पावर्स, यस और नो? यस सर। तो मैं परमिशन सेट के थ्रू मैनेजर को एडिशनल पावर्स दे सकता हूँ जो किसी अदर एम्प्लॉय को ना मिले। तो आप स्पेसिफिक यूजर्स को स्पेसिफिक राइट्स एलोकेट करना चाहते हैं विदाउट प्रोफाइल, तो आप परमिशन सेट के थ्रू कर सकते हो। क्लियर? ओके सर। चलिए गाइस, थैंक यू। सो कल की क्लास कोई भी मिस ना करें, क्योंकि कल